ओके सो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम क्यों, इसका यूज़ क्या है नंबर सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो जैसे आपको पता है अगर मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है हमारे पीसी में, कुछ मैनिपुलेशन कुछ कैलकुलेशन करना है, तो मुझे उसके मेमोरी में डेटा स्टोर करना पड़ेगा. तो जैसे अगर मान लो मुझे 5+6 करना है, तो मुझे 5+6 के लिए मुझे वहाँ पहले मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद में कैलकुलेशन होता है. तो 5+6 मेरे लिए नंबर है, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो लैंग्वेज मन में आती है नहीं. कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, 0 और 1. तो इसलिए उस डिजिटल उस नंबर को कन्वर्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में और वहाँ पर उसको स्टोर करते हैं. तो हमारे वेरियस हमारे अलग अलग नंबर सिस्टम है, जैसे कि डेसिमल है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टेल है. तो बाइनरी आपने पढ़ा है शायद, हमारे आईटी में था, जहाँ पे 0 और 1 आता है. 0 और 1 उसके दो सिंबल रहते हैं, 0 फॉर, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ा होगा तो 0 फॉर उसको हम ऑफ कहते हैं, 1 फॉर ऑन कहते हैं, क्योंकि हमारा जो डिवाइस चलते हैं वो ऑन और ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे चलते हैं, इसलिए 0 1 उसके लिए इंपॉर्टेंट चाहिए होता है. लेकिन अभी जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, जैसे हम हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर करते हैं, हमारे रैम में डेटा स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे स्टोर करने के लिए हम कुछ और नंबर सिस्टम, कुछ और टाइप के कुछ सिस्टम चाहिए होता है जो कि बाइनरी से ज़्यादा हो. क्योंकि बाइनरी के लिए अगर आप नोटिस करोगे बहुत बड़े बड़े नंबर बन जाते हैं, 0101 01. आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक सिंपल एक हमारा कोई कैरेक्टर है, जैसे हमारा कोई ए हमारा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में कितने कैरेक्टर बन जाते हैं, कितने 0101 बन जाते हैं. तो उतना वो हैंडी होता नहीं यूज़ करने के लिए, इसलिए अलग अलग हम चार यहाँ पे कॉमन जो पढ़ने वाले हैं, डेसिमल है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल और ऑक्टेल. और भी है जैसे कि यूनरी, टर्नरी, लेकिन इसको पढ़ने वाले हैं क्योंकि कॉमन नहीं है, वो कॉमनली हम 4 यूज़ करने वाले हैं. तो फर्स्ट हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम. ये तो पता है आपको डेसिमल नंबर क्या होता है, जो हम रियल जो डेली यूजेस है वो सभी डेसिमल नंबर्स है, 0 से लेकर 9 तक. उसके 9 हमारे सिंबल्स होते हैं, उसके ऊपर नहीं है. और अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इन नंबर सिस्टम में, तो उसका रेडिक्स या उसका बेस हम बोलते हैं, रेडिक्स उसका टेक्निकल टर्म है हम यूज़ करते हैं, बेस हम हमारे समझने के लिए बेस है, उसको हम 10 लिखते हैं. उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे रहता है, मान लो आपका नंबर ये है 3472, उसके नीचे हम सबस्क्रिप्ट में 10 लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे हम कि ये नंबर डेसिमल नंबर है. लेकिन फॉर सिंपलिसिटी अगर किसी नंबर का बेस दिया नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो डेसिमल नंबर ही है. ओके लेकिन आगे हम जो हम करने वाले आगे हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, मतलब कन्वर्ट करना डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टेल, तो वहाँ पे हमको देना जरूरी है समझने के लिए कि ये डेसिमल है ये ऑक्टेल है. ओके नाउ सेकंड नंबर है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम. ये तो पता है आपको, यहाँ पे सिर्फ हमारे 2 सिंबल्स होते हैं, 1 0 और 1 1. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, ये हमारा बाइनरी है क्योंकि इसका बेस मैंने 2 दिया हुआ है. अब कोई बोलेगा कि ये 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, इसीलिए हमने बेस इंट्रोड्यूस किया है समझने के लिए कि ये बाइनरी है और ये डेसिमल है. नेक्स्ट जैसे यहाँ पे 10 दिया है, ये भी हमारा बाइनरी है. अच्छा एक चीज़ इसको नोटिस करना, यहाँ पे उसको 10 नहीं पढ़ने वाले, इसको 10 पढ़ने वाले, इसको 0 पढ़ने वाला है, इसको 101 पढ़ने वाले, क्योंकि ये सिंगल नंबर नहीं है, ये सिंगल डिजिट नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, 101 है, इसको हम 101 का मैंने बाइनरी पढ़ने वाले. नाउ हमारा थर्ड नंबर है ऑक्टेल नंबर सिस्टम. जैसे नाम से दिया है उसमें 8 यूनिक सिंबल रहने वाले हैं, 0 से लेकर 7 तक. तो ऑक्टेल में यहाँ पे जहाँ पे उसके सबस्क्रिप्ट में या उसके बेस में 8 दिया है उसे हम बोलेंगे ऑक्टेल नंबर. यहाँ पे एग्जांपल दिया है 10 ऑक्टेल है, 12 ऑक्टेल है, 1625 ये भी ऑक्टेल नंबर है. अगर एग्जांपल यहाँ पे आप सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18, तो ये ऑक्टेल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8 है और ये 8 सिंबल हमारे इस 8 सिंबल्स में यहाँ पे नहीं है. तो ऑक्टेल में क्या चाहिए, सिर्फ 0 से 7 तक सिंबल परमिटेड है, उसके ऊपर हम क्या उसको नीचे हमको नहीं हम उसको अलाउ नहीं कर सकते. नाउ लास्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इस नाम से दिया है हेक्सा मतलब कि 16, तो यहाँ पे 16 यूनिक सिंबल रहने वाले हैं 0 से लेकर F तक.
अब क्योंकि यहाँ पे 10 के बाद तो डिजिट हमारे हैं नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हम अल्फाबेटिक्स में यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी और सो ऑन, 16 के लिए, सॉरी 15 के लिए एफ, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट 0 से होता है इसलिए इसको काउंट करना पड़ता है हमको। तो ये 15 हमारा एफ होगा। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आपने मैक्सिमम यूज़ किया होगा या फिर अगर आपने नोटिस किया होगा कोई अगर एरर आता है हमारे पीसी में, तो कुछ ऐसा आता है एरर कि सपोज 0x फॉर एग्जांपल एफ एफ आता है ना, मेमोरी रेफरेंस एरर। तो ये इसी का होता है कि जो भी हम मेमोरी मैनिपुलेट करते हैं, जो भी मेमोरी हम डेटा स्टोर करते हैं, रैम हो, हार्ड डिस्क हो या हमारा पेन ड्राइव है, वो एक्चुअली हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में उस मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर आप अच्छे से समझो तो जैसे एग्जांपल हमारा ये मेमोरी है, हमारे मेमोरी का ब्लॉक है, इसके अलग अलग ब्लॉक्स बनते हैं हमारे रैम के अंदर, इसका पूरा गुच्छा बनता है ऐसा, ये ब्लॉक्स है। तो सभी ब्लॉक्स में यहाँ पे डेटा रहता है, तो सभी का ये एड्रेस है, मतलब कि ये मेमोरी है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एड्रेस 0 है, इसका एड्रेस 1 है, सभी का अलग अलग एड्रेस रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एफ एफ है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस है एफ एफ इस पर्टिकुलर ब्लॉक का, ये ब्लॉक हमारा है, इसका एड्रेस एफ एफ है यहाँ इस ब्लॉक का। तो बताएंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में कुछ एरर आया है, तो हमको ये एरर शो करता है कि इस ब्लॉक में एरर है। इस तरह से हम मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग हेक्साडेसिमल। इसे आप एग्जांपल दिया हुआ है 10, अगर इसका बेस 16 है, ये हेक्साडेसिमल है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ए दिया है जो कि इस सिम्बॉल में आता है, A12 ये भी हेक्साडेसिमल है, AFB ये भी हेक्साडेसिमल है। लेकिन अगर आप यूज़ करते हो सपोज यहाँ पे मैं जेड लिखता हूँ मैं, तो ये हेक्साडेसिमल नहीं है क्योंकि ये इस सिंबल में नहीं आता है। ठीक है, नाउ अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये सभी जो हमने पढ़े हैं हमारे नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल, इसको इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि मुझे 5 5 + 6 करना है, तो 5 + 6 करेंगे तो ये तो हमारे बताया कि 11 आने वाला है, लेकिन हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स है उसको तो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, तो क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इस बाइनरी का सम निकालना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। तो यही हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, या ऑक्टेल में कन्वर्ट करेंगे, या वाइस वर्सा, ऑक्टेल से डेसिमल करना, हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल करना है, बाइनरी, मतलब हम उसके सभी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन करेंगे और सभी को हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है। और एग्जाम में आते भी है कन्वर्जन, और हमेशा आते हैं, और बहुत ही ईजी है आप सॉल्व करने के लिए। अगर आपको देखना है, मैंने एक पेपर डाउनलोड करके रखा हुआ है उसका, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, देखो यहाँ पे हमेशा आता है कन्वर्जन, ऐसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, ऑक्टेल टू डेसिमल कन्वर्ट करना, देखो 5 मार्क के लिए आता है, छोटा सा, उसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप इसको समझ जाओगे तो कहूँगा कि 5 मार्क के लायक का क्वेश्चन है ही नहीं है वाला, बहुत ईजी है। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज का लेक्चर एंड करते हैं, थैंक यू।